और आपको एक टिप देता हूँ बिगिनर व्लॉगर्स के लिए, ये टिप है। दोस्तों एक बात सुन के आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी सुन के थोड़ा दुख हुआ। ये जो माता जी का मंदिर है, इधर फोन अंदर अलाउ करने नहीं बोल रहे, मतलब या तो आपको फोन लेकर आना है तो इधर लॉकर में रखना है, ऐसा नहीं कि अंदर शूटिंग अलाउ नहीं है, फोन ही लेकर जाना अंदर अलाउ नहीं है। अभी हम लोग ने पूछा तो यार मेन था यही रिकॉर्डिंग करने का, आपको बताना था मेरे को। देखूंगा बाहर से थोड़ा सीन, कल मैं आपको बता दूंगा रिकॉर्ड करूंगा तो। बाकी फोन हम लोग को होटल में ही रख के आना होगा। इधर आपको बता दूं, आपको सिर्फ ठंडे पानी का ऑप्शन मिलेगा पीने में, अगर आपको नहीं जमता ठंडा पानी तो भी आपको पीना पड़ेगा, जिसको आदत नहीं है। मेरे को भी ऐसा आदत नहीं है, मेरा नाक बंद हो जाता है पूरा ठंडा पानी से, लेकिन इतनी गर्मी में जब आप ठंडा पानी पियोगे एकदम चिल्ड है, आपको मन करेगा वही पियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हमारे इधर कॉफी चल रही है, कॉफी का एक कप कितना है, इतना सा, और कितने रुपीज का होगा, 20 रुपए का एक कप है, लेकिन कॉफी बढ़िया है। तो हम लोग नहा धोके सब लोग रेडी हो गए, पापा भाई और बड़े भाई सब इधर, तो सब हम लोग इधर रेडी हो चुके हैं, बस अभी निकलने की तैयारी। इधर से पहले जाएंगे गब्बर धाम, नाश्ता और देखेंगे भूख लगी तो करेंगे या फिर दर्शन करके आने के बाद ही करने वाले हैं। इंजॉय करते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, ट्रैवल करते रहिए। अगर ट्रैवल नहीं कर सकते तो मेरे साथ ट्रैवल कीजिए। 1080 60 fps थोड़ा बार बार ब्लर हो जाता है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्लिक करना पड़ता है बार बार, जब भी ठीक होता है। एक व्लॉग खत्म नहीं होता, दूसरा व्लॉग अगले दिन शुरू कर देता हूँ, एडिट अब तक एक भी व्लॉग नहीं किया। ये देखो सामने का व्यू, मम्मी भी इधर रेडी हो चुकी है, कहाँ जा रहे हैं? माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, हनुमान जी के दर्शन हो गए जाते टाइम। जय श्री राम। ईयरबड्स मैंने कैरी किए लेकिन मैंने अब तक एक बार भी यूज नहीं किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी ईयरफोन ना ईयरबड्स की, क्योंकि मैं ना तो गाने सुन रहा हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा, ना मैं व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, तो ईयरबड्स अंदर ही पड़े हुए, फुल चार्ज 100% भाई यूज कर लेता है, और बाकी हम लोग कभी फ्री हो गए तो यूज कर लेंगे। और आपको एक टिप देता हूँ बिगिनर व्लॉगर्स के लिए, ये टिप है कि आप लोग जब भी व्लॉग बनाओ ना तो सीधा स्क्रीन पे मत देखो, आप लोग ऐसा देखोगे कि मैं ऐसा मतलब बीच में मिडल में आ रहा हूँ कि नहीं, आप लोग है ना सीधा कैमरे में देखना, कैमरे में देख के कभी भी व्लॉग बनाया करो। और सब लोग क्या है फ्रंट कैमरे से व्लॉग बनाते हैं, लाइक ऐसा मतलब ये मैं पीछे करूंगा तो मेरा दिखेगा, मैं बैक कैमरा किया हूं, तो बैक कैमरा से बनाया करो क्योंकि बैक कैमरा की क्वालिटी भी बढ़िया होती है, और धीरे धीरे सीख जाओगे यार, ट्राई करोगे एक दो बार धीरे धीरे सीख जाओगे। तो पहले मैं भी फ्रंट से ऐसे ही बनाता था, फिर मुझे मालूम पड़ा, तो यही था आज के लिए टिप्स, एक लाइक कर दो ये टिप्स के लिए। हम लोग सब निकल चुके हैं अभी, इधर से देखते हैं रिक्शा में जाएंगे। गाड़ी और लेके आ रहे हो तो इधर आप लोग पार्क कर सकते हो, यही गब्बर धाम है या फिर ऊपर है मुझे कंफर्म मालूम नहीं है, हाँ शायद ऊपर है, उधर देखो वो उड़न खटल हुए सब, पूरा ऊपर से आप लोग इतना नीचे कुछ होगा, मैं बताऊंगा अगर जाएंगे तो। क्या पहाड़ है यार, आप लोग देख रहे हो, चलते हैं। यसन मुक्त कुंभ, ओ हाय साहब, हाय गाइस, ये देखो आप लोग कितना प्यारा बनाया यार। सबसे पहले गणपति बप्पा के दर्शन ले लो, इधर हनुमान जी भी है, जय श्री राम, हर हर महादेव। नीचे से पूरा ऊपर तक सीढ़ी से चल के जाना है, तो पूरा आपको बताते हैं ऊपर पहुंचने के बाद, और जो भी इधर से नजारा है आप लोग देख सकते हो।
बहुत प्यारा लग रहा है कसम से, मस्त हवा चल रही है, हर जगह आपको माता जी के पोस्टर इधर दिखाई देंगे। यही है यार, घूमो खाओ पियो मजे करो, नई नई जगह एक्सप्लोर करो, हर जर्नी आपको कुछ एक नया सिखाती है। और देखो आप लोग एक बार ही है, सब लोग उधर से देखो जा रहे पूरा ऊपर तक, लेके चलते हैं आपको भी। उधर भी आप लोग देख सकते हो एक मंदिर है पहाड़ पे, व्यू देखो आप लोग, उधर वो रोड दिख रहा होगा ऐसा पतला सा, पूरा इधर से हाईवे जाता है। ये पहाड़ इतना ऊपर ऐसा लग रहा है पूरा सर के ऊपर आ रहा है। सामने रोड दिख रहा है आपका, जितना ऊपर जाएंगे उधर देखो बंगले और भी दिख रहे होंगे, और ऊपर पहुंचने दो, पूरा अच्छे से एक व्यू बताएंगे, जितना ऊपर जाएंगे उतना अच्छा व्यू मिलेगा। उधर से हम लोग पूरा आए अब तक और है, ऊपर पहुंचते देखते कितना है, मुझे नहीं लगता जितना एक्सपेक्ट किया होगा उतना ही या उससे ज्यादा होगा। पहले तो ये सीढ़ी और भी नहीं था, उस साइड से पूरा कच्चे रास्ते से ऊपर ऐसे जाना पड़ता था, अभी तो ये बना भी है। इधर आप लोग आ रहे हो तो साथ में पानी कैरी करना, इधर से बहुत महंगा मिलेगा नींबू पानी वगैरह, तो पानी तो कैरी करके रखना अपने साथ। पूरा गुफा के अंदर स्थित है, देख सकते हो पहाड़ है, पूरा पहाड़ के अंदर ये इतना मस्त मंदिर बनाया है। इधर ऊपर ये पेंटिंग कैसे बनाई होगी, कलाकार हमारे ग्रेट है। ये भी पहले बहुत छोटा था, अभी इतना सब कुछ बनाया, चमगादड़ भी था इधर, और ऊपर आपको दिख नहीं रही होगी मकड़ी भी है, इतनी बड़ी मकड़ी है। माता जी के मंदिर में यूपीआई आपको देखने को मिल रहा है, पूरे आबू रोड में कहीं नहीं, और इधर देखिए आप लोग के लिए भी कैमरे में। ये जो हम लोग दर्शन कर रहे हैं गब्बर गब्बर जो बोल रहे हैं, इसका पूरा एक्चुअली नाम है श्री अरासुरी अंबाजी गब्बर तीर्थ। फर्स्ट मंदिर जो हम लोग ने दर्शन किया वो 450 से 500 सीढ़ी पे कुछ था, और फिर उसके बाद हम लोग उतना चल के इधर 580 कुछ है श्री नव दुर्गा नी गादी, और उसके बाद इधर से और है और ऊपर इसके ऊपर है। इधर से आप लोग एक बार व्यू देखो, पूरा आबू रोड दिख रहा है यार, कसम से क्या व्यू है। त्रिशूल आप लोग देख सकते हो, तरह तरह के छोटे से पूरे बड़ी शांति देखो। तो इधर से भी हमारा दर्शन कंप्लीट हुआ है, और उधर से व्यू दूसरा बताते हैं। इधर से ऊपर ये देखो ये बंदा जहाँ खड़ा है, I've been walking through the rain, don't know where I'm